नॉन प्रॉफिट कंसर्न का हमारा क्वेश्चन है और इसको करने का थोड़ा सा हम पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर हमें पता है कि हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते बल्कि हम यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नॉर्मली दो चीजें हमारे पास यहाँ पर होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, क्वेश्चन का जो डेटा आता है वो बाय डिफॉल्ट कैश बुक की फॉर्म में आता है, यानी कि कैश बुक बनी हुई होती है। इस कैश बुक की दो साइड्स होती है, दैट इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अच्छा, रिसिप्ट साइड पे नॉर्मली ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी ने या एनपीओ ने रिसीव की है और ये वो अमाउंट्स हैं जो कि एनपीओ ने पेमेंट्स किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे जितनी भी इनकम्स हैं और डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर्स जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे पता चलेगा? तो एक बात बहुत ऑब्वियस है कि पेमेंट साइड के ऊपर जितनी भी वैल्यूज आ रही है ये डेफिनेटली एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी और क्रेडिट साइड के ऊपर सॉरी डेबिट साइड के ऊपर जितनी भी वैल्यूज आ रही है ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, यानी कि जो रिसिप्ट है। आई रिपीट, पेमेंट साइड के ऊपर यानी कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही है और रिसिप्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब करना ये कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है। अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना होती, अगर ये बातें ना लिखी भी होती तो हम एज इट इज जो रिसिप्ट साइड में उसको रेवेन्यू कंसिडर करता, जो पेमेंट साइड पे उसको एक्सपेंस कंसिडर करता, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाता। लेकिन देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट, मुझे उन एडजस्टमेंट्स को करना पड़ेगा। पहले काम करते हैं हम रेवेन्यूज देखते हैं। अच्छा, रेवेन्यूज के लिए मैं रिसिप्ट साइड देखूंगा। ऑब्वियसली ये आ रहा है कैश बैलेंस, ये कैश बैलेंस ये ओपनिंग बैलेंस है और हमें पता है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है जिसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कोई काम नहीं है, तो ये हमेशा हम इग्नोर करेंगे। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये हमारी क्या रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी किसी भी फर्म के अंदर या किसी भी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन या मेंबर बनते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने पे करनी पड़ती है, तो दैट इज द सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव यानी कि कैश हमने रिसीव किया 60,000। अब गौर से सुनिएगा, सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन के बारे में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव 60,000, 60,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। अब इससे रिलेटेड दो एडजस्टमेंट्स है। पहली एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या मतलब कि इस 60,000 में से 6,000 एडवांस रिसीव किया है। क्या मतलब कि नेक्स्ट ईयर की अमाउंट आज आपने रिसीव कर ली, यानी कि रिसीव्ड इन एडवांस जिसको नॉर्मली हम अनअर्न कहते हैं, यानी कि 6,000 आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, यानी कि टोटल 60,000 की अमाउंट रिसीव है जिसमें 6,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, इस साल के नहीं है, तो उसका मतलब मेरी रेवेन्यू भी नहीं होगी, तो उसमें से मैंने उसको माइनस कर दिया। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 8,000, क्या मतलब कि कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो कि अभी आपने रिसीव करनी है, क्या मतलब अनअर्न यानी कि अर्न कर ली है, कमा ली है, लेकिन अभी आपको रिसीव करना बाकी है, तो उसका मतलब वो इस 60,000 में शामिल नहीं है, तो मैंने 8,000 यहाँ पे ऐड कर दिया रिसीवेबल के नाम से। तो मेरे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी, इस साल की इनकम कितनी है, इस साल की इनकम कितनी है, तो 60,000 माइनस 6,000 एंड प्लस 8,000, तो ये हमारे पास आ गई, दैट इज 62,000। तो सब्सक्रिप्शन इनकम मेरे पास यहाँ पर आ गई, दैट इज 62,000, ये हमने सब्सक्रिप्शन इनकम कर ली। ठीक, इसी तरीके से अब आते हैं सेल ऑफ टिकट्स, यानी कि कोई आपने कराया होगा, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराया होगा, स्पोर्ट्स कराया होगा या कोई भी इस तरह का वेबिनार आपने कराया होगा, उसकी टिकट्स आपके पास आई होंगी, टिकट्स आपने बेची होंगी, तो ये भी आपकी इनकम है। सेल ऑफ टिकट्स और इसके इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 12,000 एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और आ रहा है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 8,000, ये भी हमारी इनकम के अंदर आ गया, और कोई इनकम हमारे पास है नहीं तो ये भी हमने यहाँ पे इसके अंदर कंसिडर कर लिया। अब आते हैं जरा चलते हैं अपने पेमेंट साइड पे, एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो स्टेशनरी कितना, स्टेशनरी दैट इज 30,000। फिर इसके बाद आ रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है हमारे पास, 20,000। फिर इसके बाद आ रहा है यूटिलिटीज एक्सपेंस। अच्छा, यूटिलिटीज एक्सपेंस की बात करूँ तो यूटिलिटी से रिलेटेड मेरे पास एडजस्टमेंट गिवन है और यूटिलिटी से रिलेटेड वर्किंग करते हैं जरा, तो यूटिलिटीज पेड, यूटिलिटीज पेमेंट साइड का रहा है, ये पेड है एक्चुअली, जो आपने पे किया है 25,000 यूटिलिटीज आपने पे की है। अच्छा, 25,000 यूटिलिटीज के अंदर कह रहा है कि आपके पास 7,000 यूटिलिटीज प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या है
यानी कि आपने एडवांस पे की हुई है, इट मींस कि 25,000 में 7,000 नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, तो उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो मुझे इस साल का एक्सपेंस चाहिए, तो इस साल का एक्सपेंस मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 25 माइनस 7 दैट इज 18,000, ये मेरे पास क्या हो गया, दैट इज एक्सपेंस हो गया। तो 18,000 हम यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, 18,000 हमने यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज टैक्सेस, और टैक्सेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टैक्सेस एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया, टैक्सेस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज 4,000। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है दैट इज सैलरीज, और सैलरीज एक्सपेंस 12,000 जिसकी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो उसको हम देख लेते हैं जरा। सैलरीज पेड हमारे पास 12,000। अच्छा फिर एडजस्टमेंट के अंदर क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज अक्रूड सैलरीज, कि सैलरीज कुछ ऐसी हैं जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं की, सो ये सैलरीज भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, दैट इज 3,000, अक्रूड सैलरीज 3,000, सो इट मींस टोटल सैलरी एक्सपेंस वुड बी 15,000, तो सैलरीज एक्स्ट्रा आ जाएगा 15,000। इसके अलावा और कोई पेमेंट साइड पे कुछ भी नहीं, लेकिन अलग से यहाँ पे मेरे पास एडजस्टमेंट के अंदर एक्सपेंस दिया हुआ, दैट इज ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 10,000, तो हमने ग्राउंड रेंट एक्सपेंस 10,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा इनकम साइड का टोटल करते हैं जरा, इनकम साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, ₹82,000, और एक्सपेंसेस साइड का टोटल हमारा दैट इज 30 + 20 + 4 + 15 + 10 = 97,000, और एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन इनकम, तो इट मींस ये डेफिसिट रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 15,000 का हमारे पास यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है। याद रहे इसमें लॉस या प्रॉफिट नहीं कहा जाता बल्कि सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं, तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिनेटली डेफिसिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो मेरे पास यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है विद 15,000, और ये यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 15,000 डेफिसिट।